नई गेंद का भी तस्करा किया, फर्स्ट चेंज की भी बात की। सिराज, अगर आज हम बात करते हैं तो दूसरा, तीसरा और चौथा खिलाड़ी श्रीलंका का अपने साथ ही लेते चले गए। उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे किसी को खड़े होने का मौका नहीं मिलना चाहिए, कोई पार्टनरशिप का चांस नहीं लगा, एंड ही मेड श्योर दैट ही इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट बैटिंग ऑर्डर राइट फ्रॉम द मिडल। सिराज का जब नया बॉल आउटस्विंग होने लग जाए ना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, जो एंगल बनाता है मतलब राइट ऑफ द क्रीज से ऐसे एंगल अंदर लाके फिर जो आउटस्विंग हो, वो बुमराह ने भी किया लेकिन बैट्समैन आ रहा है, आउट हो रहा है, स्विंग हो रहा है, ये वो सारा कुछ, और ऐसे लग रहा है फास्ट फॉरवर्ड में हो रहा है, तो जो बैटर आ रहा है ना अंदर उसको भी अभी संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि सारा क्राउड प्लस बॉलिंग प्लस स्विंग, तो वो उस माहौल में। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरह से वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम आए दिन धराशायी हो रही है, और जिस तरह का प्रदर्शन आया उसके बाद पाकिस्तान में आए दिन पाकिस्तानी टीम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं भारतीय टीम ने इस वर्ल्ड कप में अभी तक 7 मुकाबले खेले हैं और 7 ही जीते हैं, और किसी भी मैच में ऐसा नहीं लगा कि दूसरी टीम की कहीं भी मैच में पकड़ थोड़ी बहुत मजबूत हुई हो, एक सिवाय ऑस्ट्रेलियाई मैच में। ऑस्ट्रेलियाई मैच में शुरुआत में बस भारत ने 3 विकेट गवा दिए थे, लेकिन उसके बाद उसमें भी शानदार कमबैक किया था। आज जो श्रीलंका के साथ मैच खेला गया उसमें दोस्तों भारत ने पहले बैटिंग करते हुए धुआंधार 357 रन बनाए और फिर उसको चेज करने उतरी श्रीलंकाई टीम, आते ही भारतीय बॉलरों के सामने बिल्कुल सरेंडर कर गई। जिस तरह आपने देखा होगा किस तरह एशिया कप में 50 रनों पर श्रीलंका की टीम ऑल आउट हो गई थी, आज 55 रन बनाकर एक बार फिर से ऑल आउट हो गई। भारत ने 302 रनों की शानदार जीत दर्ज की, उसको लेकर पाकिस्तानी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट देखिएगा किस तरह की भारतीय बॉलिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो, इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। शुभमन गिल का कैच मिस हुआ, दे वर क्वाइट लकी इनफ, तो क्या हुआ कि एक पार्टनरशिप लग गई और वो पार्टनरशिप लंबी हो गई, जिसकी वजह से कभी श्रीलंका वापस उस मैच में आया नहीं। ऑन द अदर हैंड साइड जब इन्होंने स्टार्ट किया तो व्हाट अ स्टार्ट फ्रॉम सिराज और बुमराह। वंस अगेन उन्होंने शो किया कि अंडर लाइट्स बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, और आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट प्रेजेंटेशन ऑफ सीम, और बॉल को जिस तरीके से कहा जाता है कि जी बॉल सीम पे लगता है, अंदर आता है, बाहर आता है, और इतने कंट्रोल के साथ, दैट वॉज अमेजिंग टू सी। और फिर आइसिंग ऑन द केक जब शामी आया 9वें ओवर में, और उन्होंने आते साथ एक दफ़ा फिर से बेसिकली ही हैज शोन दैट कैरेक्टर के वो इतनी देर से इंडियन टीम के बेंच पे बैठा हुआ था, एशिया कप का एक मैच नहीं, उसके एडिशन किया है मोहम्मद शामी ने इस इंडियन अटैक के अंदर। बट बीके, कमिंग टुवर्ड्स यू, 14 इनिंग्स में से 45 विकेट्स, सो ये तो एक कंफर्टेबल 15.7 डिलीवरी, मतलब 16 बॉल, हर 16 बॉल के बाद विकेट, ढाई ओवर के बाद विकेट, अनबिलीवेबल। हम बैटिंग की बात करते हैं ना कि अब पावर हिटिंग आ गई एक अनकन्वेंशनल, मतलब वो ट्रेडिशनल वे में अब लोग आगे चले गए हैं, ये शामी पुराना बॉलर है, ट्रेडिशनल वे है, कोई स्क्रैम्बल स्क्रीम नहीं, कोई नकल बॉल नहीं, कुछ नहीं, सीम पकड़ता है, मारता है लेंथ परफेक्ट, उसके बाद पुराना बॉल तो यॉर्कर, कोई मतलब जो स्लोअर बाउंसर या स्लोअर वन या इस तरह कोई वो है ही नहीं, लेकिन सक्सेस रेट देखें इसकी, इसके जो बॉल सीम पे पड़ता है और हर दफ़ा बॉल सीम पे पड़ता है तो जहाँ पे भी हल्की सी भी मूवमेंट होती है ये वो कैप्चर कर लेता है। मतलब ऐसा प्लेयर जो मैच में आप उसको खिलाते हैं वो आउट कर देता है, नहीं खिलाते चार पांच मैच, फिर आता है फिर आउट कर जाता है। अभी ये हिसाब लगाएं कि इसको नया बॉल नहीं मिलता, अभी फर्स्ट चेंज पे आ रहा है, नया बॉल करे तो पता नहीं बैट्समैन को जान से ही मार दे जितने ही आउट कर रहा है, जिससे और हर फेस पे वो इफेक्टिव होते हैं। एक चीज मैं करूंगा, मैंने पहले भी शुरू में टूर्नामेंट में कहा था कि अ टीम जिसका चेंज पे बॉलर अच्छा करेगा वो टीम पकड़ी नहीं जाएगी, और अगर आप देखें कि ही इज द ओनली इंडियन, इज इंडियन टीम में ये वाहिद ये चेंज पे बॉलर है, और पूरे टूर्नामेंट में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जब भी नंबर 3 आता है, क्यों मैं बात करता हूँ नंबर 3 की, क्योंकि जब ऊपर से 3 आउट हो गया तो उसके ऊपर ये प्रेशर है कि उसने वो प्रेशर मेंटेन रखना है, ही डोंट हैव टू लीक रन्स, प्लस ही हैव टू अटैक एंड गेट विकेट्स, और शामी जो है वो इंडियन टीम में ही इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, और दिस इज वाई द इंडियन टीम इज क्रूजिंग लाइक नथिंग, कि उनका जो नंबर 3 पे बॉलर है वो इतना इफेक्टिव है कि वो आपको मैच में रहने ही नहीं देते, ही टेक यू आउट ऑफ द इक्वेशन जब नया नए बॉल पे अच्छा स्टार्ट मिलता है। एग्जैक्टली, और ये हमने अपनी आंखों के सामने आज होते हुए भी देखा। मैं जरा हफीज भाई के जाने भी बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि हफीज भाई ने आज सुबह में बात की थी विन द टॉस बैट फर्स्ट, तो मेरा ख्याल है आपका क्लिप वो बार बार रीप्ले करके आज जरूर देख रहे होंगे कि यार व्हाई डिडंट वी बैंक ऑन आवर स्ट्रेंथ, और अगर उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी, अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया को नहीं रिस्ट्रिक्ट कर पाए, अगर उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग थी तो वाईफून का पासपोर्ट मैंने आपको बता दिया 001001,
आई थिंक टॉप के जो पांच खिलाड़ी थे, आई थिंक वो मोर स्कोर्ड होता है ना, एग्जैक्टली 0-1, दैट्स हाउ दे वेंट अवे. सवाल वही से, जो कि हम बॉलिंग की भी बात कर रहे हैं, उन्होंने इतनी बेहतरीन बॉलिंग की है, दिन में वही स्किल सेट शायद अच्छा था या दिन में वो नहीं मिला या डे का फर्क नाइट का फर्क था कि वो कैपिटलाइज कर पाए उनके बॉलर्स? यार वो तो प्री वाली स्टेटमेंट थी ना, वो तो आप रिप्ले करेंगे, ये भी करेंगे. अच्छा जी बताएं जी. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका जी, यहाँ पे ट्रैफिक में रूल नहीं चलता, मर्जी चलती है. हाँ जी ठीक है. इसी तरीके से टॉस जीतने के पास भी इनकी मर्जी थी, उन्होंने मर्जी की, जो नजर आ रहा था वो नहीं किया. तो आप देखेंगे एक चीज पीछे आपको बता रही है कि यहाँ पे बैटिंग पहले करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, लेकिन उनकी मर्जी है. दोबारा उन्होंने फिर आफत को खुद अपने गले लगाया, जब फिर डाली पूरी आप बैल मुझे मार. मैं ये समझ नहीं पा रहा कि जब एक पिच आपको ऑफर कर रही है जी, और वो कौन से लोग पीछे बैठ के जो है ये फैसला करवा देते हैं. आपकी मैनेजमेंट की इतनी पुअर डिसीजंस, इतनी पूरे टूर्नामेंट में ये नजर आया है कि यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट पे ज्यादा टीमें जीत रही हैं और वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन दे रही है. सिवाय 2-3 मैचों के आप सारे मैच हार रहे हैं वाइल्ड चेजिंग, मैच 12 ओवर के अंदर खत्म हो जाता है. तो एक बात ये समझनी चाहिए कि टीमें वो चेज में अच्छी हैं. मैं एक इंडिया की मिसाल देता हूँ, क्यों उनका मंत्र है कि टॉस जीतो और चेज कर लो, क्योंकि वो उनके पास वो इंग्रेडिएंट मौजूद है, वो प्रेशर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं उनके बैट्समैन वाइल्ड चेजिंग, और वो डोमिनेंस उनके अंदर मौजूद है. जब वो प्रेशर एब्जॉर्ब करते हैं राइट टेक्निक के साथ, तो फिर वो लंबी देर तक उसको खेलने के काबिल है. True. तो इसलिए वो अपने आप को चैलेंज करते हैं ऑन एनी गिवन कंडीशन कि हमने चेज करना है. लेकिन जब आपकी टेक्निक इतना की सॉलिड नहीं है एज ए बैटिंग यूनिट, और आप प्रेशर एब्जॉर्बिंग एबिलिटी भी आपकी इतनी हाई नहीं है, तो आप क्यों अपने आप को खुद एक मुसीबत में डाल रहे हैं. तो ये एक मेरी तो हैरानी हो रही है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में वो जो टॉस जीत के गलत फैसला करने वाली रेशियो है वो इतनी बढ़ गई है कि अब ऑब्वियस होता जा रहा है कि जो भी थिंक टैंक पीछे बैठा हुआ है वो गलत फैसले करवा रहा है. तो ये एक ऐसा मैच था जिसको देख के तकलीफ इसलिए हुई कि श्रीलंका इतनी बुरी टीम नहीं है, इंडिया प्लेड एब्सोल्युटली फैंटास्टिकली. लेकिन अब मैं अगर दूसरी तरफ जाऊं तो जब आप खुद गलत फैसला करेंगे और एक टीम के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो पार रन 325 रन बताया गया कि यहाँ के पिछले 4-5 मैचों में हुए हैं, तो भाई आप खुद क्यों नहीं कर रहे? आप 325 खुद कर लो, करने के बाद उनको चैलेंज कर लेना. लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि हम 350 करेंगे, तो कहाँ से करोगे जब आपके पास वो वाली क्वालिटी ऑफ जो बैटिंग लाइनअप है वो नहीं है. True. तो आज के मैच का रिजल्ट इंडिया की बेहतरीन जो फॉर्म है उसको तो साबित करते ही है, लेकिन एट द सेम टाइम श्रीलंका की मर्जी को भी साबित मर्जी ये वैसे सही वर्ड आपने यूज किया राशिद सर. इंडिया वर्सेस श्रीलंका जो अर्लियर दिस ईयर जनवरी में मैच हुआ था, जिसमें इंडिया ने 390 पोस्ट किया था और 73-74 पे श्रीलंका ऑल आउट हो गई थी, उसमें भी सिराज और शामी ने मोस्ट विकेट्स लिए थे. आज फिर यादव ने भी लिए थे, बट आज फिर सर ऐसा लग रहा था कि वही स्क्रिप्ट रिपीट हो रही है. इतना ही डोमिनेंस उन्होंने शो की है और एक ही कुछ ही महीनों के मार्जिन पे आपने बैक टू बैक सेम तरह से मैचेस हारे हैं. एक मैच और भूल रही हैं, एशिया कप जिसमें सिर्फ सिराज ने शायद 5 आउट किए थे, 6 आउट किए थे, और वो भी टॉस जीत के बैटिंग की थी शायद श्रीलंका ने. फाइनल था, उसमें भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी. वो मैच मैंने देखा नहीं था, 395 वाला वो मैच देखा नहीं था, लेकिन आज का मैच देखने को मिला शामी के, स्पेशली सिराज के ऊपर भी था. जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि नया बॉल देना चाहिए, वो शायद वहाब ये भी रिलेटेड वहाब से ये शायद पेस ज़्यादा है, वो यंग है जिसकी वजह से. और दूसरा ये जिस तरह इन्होंने कहा कि तीसरा बॉलर है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शुरू में कहा था और बाद में जब ये खेले साबित हुआ. एक और बॉलर है जो कि नया बॉल करता था वो है रबाडा, वो भी 3 नंबर पर आया. और उन दोनों टीम की आप परफॉर्मेंस देख लें कि ये आके ऊपर से आउट करते हैं, लेकिन ये भी आके आउट करते हैं. और 11 ओवर के बाद आउट करना वो ये होता है कि 2 अगर आपने आउट किए ऊपर से 2 और मिल जाते हैं, तो शुरू में ही अगर आउट कर देंगे तो जो टीम आउट करने जा रही है उसको सक्सेस मिल रही है. एग्जैक्टली मैं इसी बात को जरा मजीद आगे बात बढ़ाता हूँ, जरा बाजी भाई की जाने भी. बाजी भाई यहाँ पे सिराज की बात भी करना बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपने नई गेंद का भी तस्करा किया, फर्स्ट चेंज की भी बात की. सिराज अगर आज हम बात करते हैं तो दूसरा तीसरा और चौथा खिलाड़ी श्रीलंका का अपने साथ ही लेते चले गए. उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे किसी को खड़े होने का मौका नहीं मिलना चाहिए, कोई पार्टनरशिप का चांस नहीं लगा, एंड ही मेड श्योर दैट ही गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट बैटिंग ऑर्डर राइट फ्रॉम द मिडल. सिराज का जब नया बॉल आउटस्विंग होने लग जाए ना तो बहुत ही डिफिकल्ट है. जो एंगल बनाता है मतलब राइट ऑफ द क्रीज से ऐसे एंगल अंदर ला के फिर जो आउटस्विंग हो, वो बुमराह ने भी किया, लेकिन बैट्समैन आ रहा है आउट हो रहा है स्विंग हो रहा है ये वो सारा कुछ, और ऐसे लग रहा है फास्ट फॉरवर्ड में हो रहा है. तो जो बैटर आ रहा है ना अंदर
उसको भी अभी संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा, क्योंकि सारा क्राउड प्लस बॉलिंग प्लस स्विंग, तो वो उस माहौल में अगर वो दो चार, मुझे तो लग रहा था कि शायद ये पांच छह उसी वक्त ही आउट कर जाए जिस किस्म की बॉलिंग हो। ट्रू, एग्जैक्टली दैट्स हाउ इट इज। खवातीन उस्ताद, हम जरा इस मौके पे एक छोटे से बफे की जानिब बढ़ना चाहते हैं, जब आप लोग बफे के बाद वापस आएंगे विल मेक। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में भारत की जमकर अब तारीफ हो रही है, और आए दिन आपने देखा होगा पाकिस्तानी टीम की आलोचना हो रही है, और बाबर आजम ने जिस तरह के फैसले लिए है, जिस तरह की टीम चुनी है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार पाकिस्तान की जो इस तरह की परफॉर्मेंस रही है उसका बाबर आजम ही जिम्मेदार है, और बाबर आजम को अब लगता यही कि वर्ल्ड कप के बाद कप्तानी से भी दफा किया जाएगा, हो सकता है इनको ODI और T20 क्रिकेट से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि दोस्तों बाबर आजम और रिजवान हमेशा से अपनी सेल्फी इनिंग खेलते रहे हैं, वही भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने के लिए निकली हुई है और हर खिलाड़ी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर आए दिन तारीफ कर रहा है। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।